लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मुझे साइबर कैफ का काम सीखना है, साइबर कैफ का काम कैसे सीखेंगे। जैसे ही हम यूट्यूब को ओपन करते हैं तो बहुत सारे जो ऐसे कमेंट आ जाता है कि साइबर कैफ का काम हम कैसे करेंगे, साइबर कैफ खोलने के लिए क्या करें, साइबर कैफ का काम कैसे सीखा जाता है। बहुत ज़्यादा जो है सो लोग कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए हम जो है एक और वीडियो आपको जैसे बनाने जा रहे हैं साइबर कैफ के ऊपर। पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोग का ही सवाल का जवाब जो है सो बताने वाले हैं। सबसे पहले तो साइबर कैफ होता ही क्या है, सब हर कोई को मन में सवाल रहता है कि साइबर कैफ क्या होता है। मैं बता देता हूँ कि साइबर कैफ एक ऐसा चीज होता है जिसके अंतर्गत हम सभी जो है से इंटरनेट सेवा, ऑनलाइन सेवा सर्विस जो है से प्रोवाइड करते हैं। साइबर कैफ का काम सीखने के लिए नहीं ज्यादा इंग्लिश का जरूरी पड़ता है, नहीं ज्यादा जो है से हिंदी का जरूरी पड़ता है। बस ये जो है से कॉन्फिडेंस पर चलता है। जिनके पास कॉन्फिडेंस हो गया है वो लोग जैसे अच्छा खासा से जो है साइबर कैफ खोल सकते हैं। भाई बहुत सारा जो है हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैं आपको जैसे एक एक चीज के बारे में मैं बता दिया हूँ कि कंप्यूटर कहाँ से लेना है, प्रिंटर कैसे लेना है, CSCID कैसे लेना है, बहुत सारे ऐसा चीज होता है। मैं आपको विस्तार रूप से जो है बता चुका हूँ कि साइबर कैफ का जो है काम सीखने के लिए या खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। फिर भी मैं इस वीडियो में जैसे आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज जो है जरूरी पड़ता है एक साइबर कैफ अच्छा से चलाने के लिए या खोलने के लिए। मान लीजिए आप 10th पास है, 8वां पास है, या BA में पढ़ रहे हैं, या BA पास है, फिर भी आप साइबर कैफ चला सकते हैं क्योंकि साइबर कैफ खुलने के लिए ज़्यादा नॉलेज का जरूरी नहीं पड़ता है। साइबर कैफ जो है कॉन्फिडेंस पर चलता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा वो अच्छा खासा जो है पैसा कमा सकते हैं। दोस्त थोड़ा हाथ जो है मेरा दुख जाता है क्योंकि अब देख रहे हैं कि मेरे पास जो है अभी हम आपको जो है बिना स्टैंड के ही हाथ में मोबाइल लग के वीडियो बना रहा हूं। जो भी होता है वीडियो मैं रियल बनाता हूं, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूं। ये मेरा खुद का दुकान है और हम जो है 5 साल से साइबर कैफ जो है चला रहे हैं और मेरे पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है। आप लोग उस समय से सोच रहे होंगे कि उस समय से वीडियो में बहुत ही बोल रहा है लेकिन बता नहीं रहा है। भाई मैं सबसे पहले इसलिए बता देता हूँ कि जब तक आप कोई चीज़ को समझिएगा नहीं, जब तक जो है फील नहीं करिएगा, जब तक जो है आप कोई भी चीज़ को नहीं जो है कर सकते। सबसे पहले तो साइबर कैफ वाला को दिमाग बहुत ही शार्क होना चाहिए। शार्क समझ रहे हैं ना, कोई चीज़ को तुरंत समझना, ठीक कर देना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर बात आते हैं कि साइबर कैफ खोलने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जैसे एक प्रिंटर लेना चाहिए। दोस्तों अभी दिन का समय है इसलिए थोड़ा वीडियो फ्रेश नहीं आएगा क्योंकि जब देखिए मेरे दुकान में शीशा लगा हुआ है, चारों तरफ से देख रहे होंगे, फिर भी जो है लाइट का जो है सूरज का जो रोशनी होता है वो ज़्यादा जो है मतलब वीडियो जब बनाते हैं तो लगता है सीधा जो है कैमरा में प्रवेश कर गया। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको लेना है। सबसे पहले जो है आपको एक प्रिंटर लेना है। प्रिंटर जो दोस्त जो है एप्सन कंपनी का ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आपको एक मॉनिटर लेना है, उसके बाद CPU लेना है, उसके बाद कीबोर्ड लेना है, उसके बाद जैसे वाईफाई लेना है, उसके बाद जो है माउस, मंत्रा और छोटा सा आपको जो है दुकान बना लेना है। दोस्त मैं जो है बहुत बड़ा दुकान बना लिया था, छोटा सा आपको एक दुकान बनाना पड़ता है जिसमें आप देखिए काउंटर भी देख रहे हैं। मेरा जो है एल टाइप का काउंटर है, देख रहे हैं एल टाइप का काउंटर है, और इधर जो है आप देख रहे हैं कस्टमर को बैठने के लिए है, और उधर जो आप देख रहे हैं दोस्त मैं मोबाइल का भी काम करता हूं और मेरे पास जैसे दो दो सिस्टम है। एक सिस्टम आपको इधर देख रहे होंगे और उधर जो है मेरा मोबाइल का काउंटर है, और एक सिस्टम मेरा इधर देख रहे हैं जिस पर जो है हम बैठे। पास जो है दो दो सिस्टम है आप देख रहे होंगे, दो दो जो है नॉमिनेशन मशीन है। तो आपको यहाँ से नहीं दिखाई देता होगा लेकिन अब जो है आपको दिखाई देता होगा नॉमिनेशन मशीन, दो दो जो नॉमिनेशन मशीन है। अब दो देख रहे, दो हॉट गन भी रखे हुए हैं, दो सिस्टम भी, एक सिस्टम इधर है और एक सिस्टम दिखा देते हैं, एक सिस्टम जो है यहाँ पर है, मेन सिस्टम पर हम बैठते हैं। उसके बाद देख रहे मेरे पास दो दो CPU आप नीचे भी देख रहे होंगे, इसमें भी जो है लगा हुआ है। एक बड़ा सा चेयर है देख रहे हैं। उसके बाद जो है दोस्तों इसमें 84 को दुकान है, मेरा खल है जो कि बड़ा बड़ा खल है। और इधर जो आप देख रहे हैं इधर जो है मेरा कस्टमर लोग यहाँ पे जो है वेट करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं पूरा जो है दुकान में शीशा लगा हुआ है। अभी थोड़ा आपको नहीं अच्छा से दिखाई दे सकता है क्योंकि धूप है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और ऊपर में देख रहे हैं दोस्त पंखा वंखा लगा हुआ है और सेलिंग पूरा दुकान में जो है सेलिंग हो रखा है। तो बहुत लोग के मन में सवाल होगा कि जैसे आपका दुकान है कितना खर्च जो है भाई आ जाएगा। आप लोग के मन में यही सवाल चलता है, सबसे बड़ा जो है आप लोग के मन में यही सवाल चलता है कि साइबर कैफ खोलने में कितना खर्च जो है आ जाता है, साइबर कैफ खोलने में कितना खर्च आ जाता है। दोस्त मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं वीडियो जो है आपको जैसे देहाती भाषा में बताता हूँ, जो भी होता है मैं आपको रियल दिखाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी साइबर कैफ खोलना चाहते हैं मैं सभी को जो है
काम जरूर सिखा दूंगा, कैसे कैसे करना है, कहाँ से कौन चीज़ लेना है, सबको हेल्प करता हूँ। चाहे आप जहाँ से भी रहने वाले क्यों नहीं हो, मैं सबको जैसे हेल्प करता हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरे पास जिगर में जान रहेगा, जब तक भाई सबको हेल्प करता रहेगा। आप लोग को जैसे मन में सवाल रहेगा कि भाई आपके पास सीएससी आईडी है कि नहीं है, तो भाई वेट करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए मेरे पास सीएससी आईडी है, सीएससी आईडी आप देख रहे हैं, ये मेरे पास जो सीएससी आईडी है, और सीएससी आईडी जो हम 3 साल पहले लिए थे। लेकिन दोस्त मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप साइबर कैफे का काम खोल सकते हैं। सीएससी आईडी का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, इसको जो है सिर्फ वृद्धा पेंशन केवाईसी करने के लिए, कई कई पर केवाईसी करने के लिए इसका जरूरी पड़ता है, बाकी आपको जरूरी जो है से नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत लोग को जो कंफ्यूज रहता है कि सीएससी आईडी नहीं होगा तो साइबर कैप नहीं खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिना सीएससी आईडी के भी साइबर कैप खुलता है। उसके बाद आप लोग के मन में एक और बड़ा सवाल रहता है कि मान लीजिए भाई हम जो है ऐसे साइबर कैप खोल लिए हैं, लेकिन मेरे पास लाइसेंस कैसे आएगा, लाइसेंस तो है नहीं, तो फिर मेरा क्या होगा। भाई मैं बता देता हूँ, आपके पास इतना लाइसेंस हो जाएगा ना कि आपको दुकान में जो है ना से लगाने का जगह ना रहेगा कि लाइसेंस को हम कहाँ टांगे नहीं टांगे। तो आप लोग को फिर पूछिएगा कैसे जो है से लाइसेंस हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आप जो है साइबर कैफ खोल लीजिएगा तो ग्राहक का पैसा विड्रॉ करिएगा तो भाई उसमें भी एक लाइसेंस देता है। अब जितना भी जो है से परचेज करिएगा सामान, जितना आईडी लीजिएगा मतलब लीजिएगा, सब में आपको जैसे एक एक लाइसेंस जो है से मिलता है, वही आपका जो है से लाइसेंस हो गया। भाई मैं बता देता हूँ कि मेरे पास अभी जो है से 14 से 15 लाइसेंस जो है से बिना मांगे हो गया है, आप लोग के पास भी हो जाएगा, क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ता ना। जैसे आप पैसा निकालने वाला आईडी लीजिएगा उसमें आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, वही लाइसेंस से काम चल जाता है, जो है उद्यम आधार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में बन जाता है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो गया होगा कि एक साइबर कैप चलाने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, एक आपको जैसे कंप्यूटर लेना है, सीपीयू लेना है, माउस लेना है, कीबोर्ड लेना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, आपको एक प्रिंटर लेना है, माउस लेना है, कीबोर्ड लेना है, मंत्रा लेना है, एक आपको नेट कनेक्शन लेना है, वाईफाई लेना है, एक आपको जो है से क्यूआर कोड भी रखना है। उसके बाद जो है से देख रहे हैं एक नॉमिनेशन मशीन जो बताए थे वो भी आपको लेना है। उसके बाद जो है से आप दुकान भी अच्छा खासा बना सकते हैं, क्योंकि आप दुकान में जो है मोबाइल का आइटम रख सकते हैं, कहीं ना कहीं साइबर कैफ में मोबाइल का आइटम जो है आता है, जैसे में चार्जर, बॉल, केबल, किताब उताब जो है से अपना दुकान में रख सकते हैं, इससे आपको जो है से डबल बेनिफिट होगा। जैसे ही आपका दुकान अगर जम जाता है साइबर कैफ दोस्त, तो फिर आप जो है से महीना का जो है से 40 से 50 हज़ार आपका कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद जो साइबर कैफ में क्या क्या काम होता है, साइबर कैफ में इतना ज़्यादा काम होता है कि मानी कि साइबर कैफ में इतना ज़्यादा काम होता है कि दुनिया का सारा चीज़ जो साइबर कैफ से होता है भाई। और मैं बता दूं कि आप लोग जैसे दिन भर जो है से व्यस्त रहिएगा, साइबर कैफ बस अच्छा जगह पर खुलना चाहिए, मन से काम करिएगा, अच्छा सर्विस कस्टमर को दीजिएगा, तो आपका फिर साइबर कैफ जो है से रनिंग में आ जाएगा। मान लीजिए दिन भर में आप 100 जेरोक्स कर रहे हैं, 4 पेन कार्ड बना रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं, जाति आवासीय बना रहे हैं, बच्चा का नोट्स बना रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं, फोटो मर्ज कर रहे हैं, बहुत तरह तरह का जो फंड ऑनलाइन का निकलता है वो निकाल मतलब कर रहे हैं, बहुत सारे किसी का आधार कार्ड सुधार रहे हैं, किसी का निकाल रहे हैं, किसी का डमी बना रहे हैं, उसके बाद जो बहुत सारा चीज़ जो है इसको होता है, किसी स्कूल का आई कार्ड बना रहे हैं, किसी का वोटर आई डी कार्ड सुधार रहे हैं। दोस्त साइबर कैफ में इतना काम होता है कि मैं बताने देता हूँ, साइबर कैफ में OBC बनाना, नॉन क्रिमिनल बनाना, बहुत सी सब चीज़ जो है इसे होते रहता है। अगर आप दिन का भी एक एक काम अगर करिएगा, फिर भी आपको जो है इसे 1000 से 1500 रुपया जो है इसे डेली का कोई नहीं रोक लेगा। बहुत करता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग जो है वॉच नहीं करते हैं। आप लोग जो है हमसे जुड़ल रहे, और मन में जो भी सवाल होता है आप जो हमसे कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ, और हर एक चीज़ पर जो है दोस्त मैं वीडियो जो है बनाकर जो है सभी सब्सक्राइबर को जो है भेजता रहता हूँ। आप मेरा प्रोफाइल देखिएगा तो आपको जो है हर सवाल का जो है जवाब मिल जाएगा। ये वीडियो सिर्फ हम इसलिए बनाए थे कि बहुत सारे लोग जो है बार बार कमेंट कर रहे थे, भाई मुझे साइबर कैफ का काम सीखना है, खोलना है, साइबर कैफ कैसा दिखता है, साइबर कैफ का दुकान कैसा होना चाहिए, का दुकान कैसा होना चाहिए, साइबर कैफ में क्या क्या चीज़ हमको जैसे रखना चाहिए। बहुत सारे लोग को जैसे मन में ये सवाल था,
बहुत लोग हमको बोल रहे थे भाई आपका दुकान कहाँ है, दुकान कैसा है, दुकान कैसा दिखता है, तो बहुत सारे लोग का जो सवाल का जवाब था। इसलिए जो है से दोस्तों मैं फिर से एक साइबर कैफ के बारे में छोटा सा जो है से जानकारी दिया हूँ। बड़ा सा जानकारी लेने के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर कैफ का दुकान कैसे खोलना है, काम कैसे सीखना है। दोस्तों मैं ज़्यादातर जो वीडियो जो है से रात में शूट करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सर्वर सब चीज़ का डाउन चल रहा है, इसलिए मैं आपको दिन में ही वीडियो बना दिया हूँ। थोड़ा हो सकता है थोड़ा रोशनी से थोड़ा आपको जैसे सिस्टम विस्टम अच्छा से नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन मेरे पास बहुत सारा वीडियो जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, वहाँ से जो है मेरा पूरा दुकान को देख सकते हैं, साइबर कैफ में क्या क्या काम होता है जान सकते। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा तो मैं तुम्हें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ऐसा और वीडियो देखने के लिए, और हमसे आप लोग जुड़ जाइए। हमसे बात करने के लिए मेरा नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जीमेल आईडी है, वहां से आप लोग अपना जो है नंबर कमेंट करिएगा तो मैं यहां से जो है व्हाट्सएप से जोड़ दूंगा, और 24 घंटा में जब मन करे तब आप हमसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमसे पूछ सकते हैं। मैं जो है दोस्त फुल्ली जो है आप लोग को जो सपोर्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।